जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने वाली छायावाद की टॉप 20 रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 1918 से 1936 तक का जो काल माना जाता है वो छायावाद का काल माना जाता है, और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, जो कि ईला चंद्र जोशी ने इन्हें माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना और सुमित्रा नंदन पंत को नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना। तो अलग अलग विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक अलग अलग माना है। दोस्तों वही छायावाद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वही छायावाद की रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले। इसके पहले हमने आपको द्विवेदी योग है ना, और भारतेंदु योग, रीति काल, भक्ति काल आदि सभी रचनाएं याद करवा दी। दोस्तों अब आज आपकी बारी है कि दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9098609291 ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों, और आप ज्वाइन मेंबर चैनल के बन सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन मेंबर बनने के लिए चैनल पर ज्वाइन बटन दिया है, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर तीन दोस्तों प्लान है। सबसे पहला प्लान है सिल्वर प्लान, सिल्वर प्लान में आपको 59 रुपये पे करना होगा, ठीक है। फिर है गोल्ड प्लान, 159 रुपये पे करना होगा। डायमंड प्लान जो कि दोस्तों आपको 299 रुपये करना होगा। 59 वाले सिल्वर प्लान में आपको दोस्तों क्या किया जाएगा, आपका कमेंट हाईलाइट होगा, ठीक है, आप लाइव स्ट्रीमिंग वाली वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। गोल्ड प्लान में दोस्तों आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि आपको इमोजी मिलेगा, लाइव स्ट्रीम मिलेगी, वॉलपेपर्स से संबंधित होंगे, है ना। और दोस्तों डायमंड प्लान में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है वो स्टडी मटेरियल आपको प्रेषित किया जाता है, आप डायमंड जो है प्लान चुनते हैं, तो स्टडी मटेरियल यानी सोशल मीडिया से आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। चार विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का बताना है दोस्तों, और यहाँ पर चित्र में देखना दोस्तों ये कामायनी रचना है और ये महाकाव्य है। और आपको पता है कि आप कामना करने जाते हो कहाँ पर, जयशंकर के प्रसाद, शंकर जी के पास जाते हो ना, भगवान मुझे परीक्षा पास करवा देना, तो क्या करने जाते हो, कामना करने जाते हो। तो कामायनी महाकाव्य किसका होगा, शंकर जी के पास जाते हो तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और एक कामायनी दोस्तों आपको ये आपको रचना दिख रहा है, ये रचना है, ये बुक है, और ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। और ये महाकाव्य है, कितने सर्गों का महाकाव्य है, 15 सर्गों का महाकाव्य है दोस्तों, और 1935 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो याद रख लेना, छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। लोकायतन महाकाव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं दोस्तों, महाकाव्य, लोकायतन और कामायनी, ये दोनों ही छायावाद के महाकाव्य हैं, और आपको बताना है 2 सेकंड में। और इसकी जो ट्रैक है दोस्तों, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक में सुमित्रा आए हैं, तो लोक में तो लोकायतन और सुमित्रा आए हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, ये सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य माना जाता है दोस्तों लोकायतन, ठीक है। यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखनी है, लोक में सुमित्रा आए हैं, लोक से लोकायतन और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पल्लव के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार विकल्प हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि जो पल्लव है इसे छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, पंत जी की प्रसिद्धि का आधार भी कौन सा है, पल्लव ग्रंथ है, और ये किसकी है, पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत, और इन्हें प्रकृति का चेतेरा कवि भी कहा जाता है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चेतेरा कवि, और दोस्तों सुमित्रा से पल्लव पड़ा है। आप बोलते ना कि किससे पाला पड़ गया यार,
वो ही है, सुमित्रा से पाला पड़ा है, सुमित्रा से पल्लव पड़ा है, ठीक है। तो सुमित्रा से पल्लव पड़ा तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी पल्लव। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। और आपको पता है दोस्तों तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि हैं और तुलसीदास रचना भी है। तो तुलसीदास निराला कवि है, तुलसीदास निराला कवि है, तो तुलसीदास तो निराला कवि है ही दोस्तों। और तुलसीदास जो रचना है ये भी निराली रचना है, यानी कि निराली से और निराला से आपका निराला सा नंबर सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना तुलसीदास निराला कवि है, ठीक है। तो ये तुलसीदास रचना निराला की हो जाएगी, ठीक है। अगला है दोस्तों राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया रचना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और राम की शक्ति की पूजा कौन करते हैं? निराले व्यक्ति करते हैं, है ना, या फिर राम की शक्ति पूजा निराली है, राम की शक्ति पूजा निराली है, राम की शक्ति पूजा निराले व्यक्ति करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? निराला, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा के रचनाकार कौन है दोस्तों? यामा, जैसे कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, और आपको पता है कि आप बोलते ना या माँ, माँ बोलते किसे? महादेवी को, महादेवी को माँ बोलते हैं। तो ये यामा भी रचना किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना। छायावाद की श्रेष्ठ कवित्री हैं दोस्तों, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है ना, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को, है ना। और चित्र रेखा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, दो सेकंड है दोस्तों आपके, और आपको बताना है, और आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा चित्र रेखा ए राम कुमार वर्मा, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, चित्र रेखा, तो राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा, ये आपकी ट्रिक है। तो चित्र रेखा, है ना, चित्र रेखा ने देखा किसका? राम कुमार का। तो चित्र रेखा के रचनाकार कौन होंगे? राम कुमार वर्मा। अब याद रख लेना आप कैसे याद रखोगे राम कुमार का चित्र रेखा ने देखा? तो चित्र रेखा राम कुमार वर्मा की रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प आपके पास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनमें से दो सेकंड में आपको बताना है कि निहार, रश्मि, नीरजा, है ना, सांदगीत और दीपशिखा। और आपको पता है दोस्तों कि ये पूरी ही रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा, यानी कि चार नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है प्रभात में, सबसे पहले जब हमारा सुबह होता है, प्रभात होता है, तब निहार आता है, निहार यानी कि ओस आता है, आता है कि सुबह सुबह की नहीं, ओस आता है, तो निहार आता है, निहार, ठीक है। फिर क्या आती है? रश्मि, यानी कि सूरज की ज्योति आती है, तो रश्मि आती है, ठीक है, फिर रश्मि आती है। और फिर दोस्तों नीरजा खिलती है, यानी कि जो है कमल खिलता है, है ना, कमल खिलता है, तो नीरजा खिलता है, ठीक है। फिर सांदगीत, फिर सांदगीत में हम क्या करते हैं? सांदगीत की बेला आती है, शाम को सांदगीत की बेला आती है, और उसके बाद हम महादेवी को क्या जलाते हैं? दीपशिखा जलाई जाती है, महादेवी को दीपशिखा जलाई जाती है। तो अब याद रख लेना आप, थोड़ा सा अपना मुँह ऊपर करो और देखो कि सबसे पहले प्रभात आता है, है ना, प्रभात आता है, फिर दोस्तों रश्मि आती है, है ना, फिर रश्मि आती है, फिर नीरजा खिलता है, फिर सांदगीत गाते हैं, सांदगीत की बेला आती है, और फिर महादेवी के सामने हम दीपशिखा जलाते हैं। तो ये चारों ही रचनाएं जो हो जाएंगी, पांचों रचनाएं किसकी होंगी? महादेवी वर्मा की, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अगला देखो दोस्तों, नए पत्ते के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, कौन है? ये सारी की सारी रचना, ये सारी की सारी जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो ज्वाइन मेंबर को ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल पाएंगे, ठीक है। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? और आपको पता है दोस्तों ये नए पत्ते, है ना, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और आपने पेड़ में देखे होंगे जब नए पत्ते आते हैं तो बिल्कुल निराले पत्ते होते हैं, कैसे होते हैं? निराले होते हैं, नए पत्ते निराले होते हैं। तो नए पत्ते के रचनाकार कौन होंगे? निराला जी, ठीक है। अगला है निर्माल्य एक तारा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता है कि निर्मल एक तारा का वियोगी है, निर्मल
एक तारा का वियोगी है। तो निर्मल से निर्माल, एक तारा से एक तारा का वियोगी है, सो मोहनलाल महतो वियोगी। ये वियोगी की रचनाएं हैं कौन सी, निर्माल और एक तारा। कैसे याद किया, आपको ट्रिक दी कि निर्मल एक तारा का वियोगी है, निर्मल एक तारा का वियोगी है। तो निर्माल और एक तारा के रचनाकार कौन होंगे, मोहनलाल महतो वियोगी। ठीक है, पंची और रागिनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंदन पंत, मोहनलाल महतो या फिर महादेवी वर्मा। पंची और रागिनी, और प्रश्न क्रमांक 11 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रागिनी का नेपाली पंछी, रागिनी का नेपाली पंछी। तो रागिनी से रागिनी और नेपाली से हो जाएंगे आपके कौन, गोपाल सिंह नेपाली, और पंछी से पंछी। तो पंछी और रागिनी जो रचना है वो किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली की। आपको ट्रिक याद रखना है रागिनी का नेपाली पंछी, रागिनी का नेपाली पंछी। तो रागिनी और पंछी ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना हो जाएंगी। ठीक है, अगला है दोस्तों अमृत और विष की रचनाकार कौन है, अमृत और विष चार विकल्प हैं। और दोस्तों अगर आपने विष को अमृत समझकर पी लिया तो आपका उदय नहीं हो पाएगा, फिर क्या नहीं हो पाएगा, उदय नहीं हो पाएगा। तो अमृत और विष के रचनाकार कौन होंगे, बोले सर हमने विष को अमृत समझकर पी लिया और फिर उदय नहीं हुआ कभी, तो उदय शंकर भट्ट है ना, उदय शंकर भट्ट। और ये एक रचना अमृत और विष अमृतलाल नांगर की भी है, कन्फ्यूज नहीं होना। और ये अमृत और विष जो रचना है ये किसकी है, उदय शंकर भट्ट की भी है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कलापी के रचनाकार कौन है, कलापी। दोस्तों यहाँ पर देखो कला, एक कला लिखा है और आप बोलते हो सर मुझे कला सीखना है, मैंने बोला कितनी कला सीखना है, तो आपने कहा सर मुझे 80 कला सीखना है, कितनी सीखना है 80। तो कला से कलापी और कला सीखना है कितनी 80, तो आरसी प्रसाद सिंह, आरसी 80 से आरसी, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है कलापी। कई बार पूछी गई है, आप कभी नहीं भूलना कितनी कला सीखना है, 80 कला सीखना है 80। ठीक है, अगला है अंतरध्वनि के रचनाकार कौन है दोस्तों, अंतरध्वनि, अंतर की ध्वनि मतलब अंदर की ध्वनि को जानो, अंतर की ध्वनि को जानना है, तो जानना है तो जनार्दन झा, जनार्दन है ना, अंतर ध्वनि को क्या करना है, जानना है, जनार्दन, जनार्दन झा द्वज की रचना हो जाएगी। बी नंबर, अंतर ध्वनि के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंतर की ध्वनि को जानना है तो जनार्दन झा। ठीक है, अगला है मानसी राका और विसर्जन की रचनाकार कौन है। दोस्तों एक मानसी राम त्रिपाठी जी की भी है, ठीक है, और याद रख लेना है। और ये मानसी जो रचना है ये आपकी उदय शंकर भट्ट की भी है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे मानसी राका और विसर्जन, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना। तो मानसी से मानसी, रुको से राका और विसर्जन से विसर्जन, मानसी राका और विसर्जन है ना, और अमृत और विष, ये चार रचनाएं इनकी हैं कौन की, उदय शंकर भट्ट की। मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, मानसी रुको उदय शंकर का विसर्जन मत करना, ये किसकी रचनाएं हो गई, उदय शंकर भट्ट, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं दोस्तों, जरा इस चित्र को देखो कुकुरमुत्ता ये किसकी है, ये देखो बिल्कुल निराला होता है दोस्तों, ये कुकुरमुत्ता देखो कैसा छत्ता सा बना है, निराला ही होता है, आप देखो जरा निराला, ये निराला होता है कुकुरमुत्ता, तो ये कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन होंगे, निराला है ना, बोले सर कुकुरमुत्ता चित्र में देखा ये निराला होता है, तो निराला की रचना हो जाएगी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला देखो खादी के फूल के रचनाकार कौन है, चार विकल्प हैं, और दोस्तों ये संयुक्त रचना मानी जाती है दो कवियों की, और वो कवि कौन से हैं, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, अपने बोलते ना नाती पंती, तो बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, याद रख लेना है ना, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, तो ये खादी के फूल रचना है और बच्चन के पंती ने पहनी, तो बच्चन और पंत, बच्चन और पंत की ये संयुक्त रचना मानी जाती है दोनों की, यानी कि विकल्प नंबर आपका सा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खादी के फूल बच्चन के पंती ने पहले है ना, बच्चन के पंती ने खादी के फूल पहने, ये ट्रिक है आपकी। तो खादी के फूल जो रचना है
ये बच्चन और पंतकी हो जाएगी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है करुणालय और आंसू की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी है वो आप बता देना, और आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, है ना, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना पड़ेगा। ज्वाइन मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो है सब्सक्राइबर मेंबर का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर को विशेष जो है यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है दोस्तों, और सब्सक्राइब मेंबर को टेस्ट आदि बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो आप ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, और वहाँ से आप कुछ राशि पे करके जो है ज्वाइन मेंबर बन सकते हो। करुणालय और आंसू की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि करुणालय आंसू, करुणा के आंसू, हम पढ़ते ना करुणा के आंसू, शंकर जी के सामने करुण के आंसू, ऐसे लिख लो, शंकर जी के सामने करुण के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू बहाते हैं, करुण से करुणा कर दो, करुणा के आंसू बहाते हैं, किसके सामने, शंकर जी के सामने। तो शंकर जी यानी कि जयशंकर प्रसाद, वैसे तो करुणालय और आंसू सभी को पता होगा, लेकिन याद रख लें कि जो है शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं, करुणा के आंसू तो करुणालय और आंसू, ठीक है। इस प्रकार से कामायनी इनकी हम रचना पढ़ चुके हैं, ठीक है, करुणालय भी है, आंसू भी है, झरना भी है, और वसी एक इनकी रचना भी है, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखेंगे। और यहाँ पर शंकर जी के सामने करुणा के आंसू बहाते हैं। लहर, झरना और उर्वशी की रचनाकार कौन है। दोस्तों चार विकल्प हैं, चार में से आपको बताना है, और यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लहर। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये शंकर जी बैठे हुए हैं, है ना, शंकर जी बैठे हैं, और यहाँ से इनके जटों से लहर निकली, तो लहर निकली तो मानो ऐसा लग रहा था कि झरना निकला है, कोई झरना, है ना, और जब लोगों ने देखा तो लोगों के उर बसी, लोगों के उर मतलब हृदय, और हृदय में बसी, तो ऐसी लहर निकली कि झरना लग रहा था, और जब झरना लोगों ने देखा तो लोगों के उर बसी। तो कहाँ से, शंकर जी की जटाओं से, आप बोलते ना कि गंगा निकली है, तो लहर, झरना और उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, शंकर जी का नाम आ रहा है तो यहाँ भी शंकर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी चैलेंज प्रश्न की बारी है, आपको बताना है कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार कौन है। कला और बूढ़ा चांद, मैत्री शरण गुप्त, है ना, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद, ये आपको बताना है, और साथ ही बताना है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, ठीक है। मैत्री शरण गुप्त की एक रचना भी आपको लिखनी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक रचना भी लिखना है, पंत की एक रचना लिखना है, और जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना लिखना है, और साथ ही कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। और सुबह रोज 9:30 बजे आपकी क्लास होती है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूँ कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है, है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है, और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे।